और जैसे ही हमारे साइंटिस्ट्स ने डिस्कवरी की टेलीस्कोप्स की ये एक मजाक का पा हमारी धरती नहीं हमारा पूरा का पूरा सौर्य मंडल हमारा पूरा का पूरा गैलेक्सी मिल्की वे पंद्रह अरब नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डीप नॉलेज में एक हमारे फ्रेंड है उन्होंने अभी रिसेंटली जिन्हों का एडवांस ज्वाइन किया है और उनका एक क्वेश्चन है जो कि सबके लिए बहुत एप्लीकेबल है बहुत परेशान है वो उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही है कई साल से और साथ ही साथ स्पिरिचुअल रस्ते पर भी चल रहे हैं पूरी की पूरी भगवत गीता याद है और वो साथ ही साथ परेशान भी हैं और अभी रिसेंटली उन्होंने का एडवांस ज्वाइन किया है और उनका एक सीधा सिंपल क्वेश्चन है कि सेल्फ रियलाइज करने का कोई सीधा सटीक रास्ता है रास्ते सीधे ही होते हैं और निकलते हैं हमारे मन से क्योंकि हम उलझे हैं इस शरीर में और इस शरीर में उलझे हैं अपने मन की वजह से अपने थॉट्स की वजह से थॉट्स का एक बहुत बड़ा जाल है बहुत ही ज़्यादा लंबा जाल और परेशानी की बात यह है उसको हम क्रॉस भी नहीं करना चाहते हैं। हम उन्हीं कुछ विचारों में से कुछ सेलेक्टेड थॉट्स को प्रिफर करते हैं उसको हम अपना घर बनाते हैं और बाकी विचारों को हम भगाते रहते हैं लेकिन ये सारे के सारे विचार हमारी जेल है हमारी प्रेफरेंस है अगर सीधा साफ आंसर चाहते हैं आप खुद को जानने का तो एक तो यही है आपकी गायत्री मंत्र का सबसे पहला तीन शब्द भू भुव सुअ भू भुआ सुअ ये आपका फिजिकल वर्ल्ड है ये आपका एग्जिस्टेंस है जिसमें चीजें पैदा होती हैं रहती हैं और चली जाती हैं लेकिन कभी आप सोचे मत इस चीज को देखें जैसे अष्टवक्र ने देखा था जैसे गुरुदत्तय ने देखा था जैसे कृष्ण ने देखा था कि जो भी भू भू सुह है उसका बैकग्राउंड क्या है उसका बेस क्या है उसका बेस शब्दों में नहीं है जब कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अर्जुन मैं हूँ आत्मन और ये सब तुम्हारे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो ये सब मरने के बाद मुझ में आते हैं और मुझ में से निकलते हैं तो भू भु, भूह सुह के पार किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो अगर आप इस सूत्र को मेडिटेट करें और इस सीन यूनिवर्स को भू को फिजिकल वर्ल्ड को भूआ को मॉलिकुलर वर्ल्ड को और सुह को पेनिट्रेट करना चाहें किसी लाइफ में तो आप इनलाइटेंड हो सकते हैं खुद को जान सकते हैं भू भु, भू सुह इसलिए मैं कहता हूँ ये मंत्र उच्चारण के लिए नहीं है ये मंत्र डी करने के लिए हैं ये एक तरह से इंगित है एक और सूत्र पता नहीं कृष्ण ने बताया था या सहर जी ने या रमन ने ये सूत्र उससे भी ज्यादा आसान है ये शायद बुद्ध ने बताया हो एक हमारा सेल्फ है और एक हमारा नॉन सेल्फ है एक वो है जो हम हैं चाहे जगते हों चाहे सोते हों चाहे मर गए हों तब भी हमारा सेल्फ है वो और एक है हमारा नॉन सेल्फ जो हम नहीं हैं लेकिन फिर भी ये दोनों हमसे जुड़े हुए हैं उसको तो अगर आप मेडिटेट कर सकें ध्यान कर सकें तो आप फ्री हो जाएंगे जब भी कोई थॉट चले पूछें क्या ये थॉट मैं हूँ जब भी कोई बहुत स्ट्रांग नेगेटिव या पॉजिटिव इमोशन आए तो पूछिए अपने आप से क्या ये इमोशन मैं हूं एक भाई साहब मुझे कल बता रहे थे मैं बहुत परेशान हूं क्यों क्योंकि किसी आदमी ने उनको बहुत बेजत कर दिया गाली दे दी उनको और बोल रहे थे मैं गाली डिजर्व नहीं करता तो जो कुछ भी उनके मन में चल रहा है डिस्टर्बेंस के रूप में वो उनका नॉन सेल्फ है लेकिन उसको सेल्फ मान के चल रहे हैं जब ब्रेन में गाली चलती है बेजती चलती है उसको पहचानना होगा ये मैं नहीं हूं ये मेरा नॉन सेल्फ है ये शरीर भी हमारा नॉन सेल्फ है लेकिन हम इसको मेडिटेट करके नहीं जान पाते कैजुअली जैसे एक नशेड़ी हर चीज को कैजुअली लेता है ऐसे ही हम भी अपने सेल्फ को और नॉन सेल्फ को दोनों को ही अपना स्वयं मानते हैं योगी वो होता है सेल्फ रियलाइज वो होता है जो सेल्फ को नॉन सेल्फ से अलग अलग जान सके और इन दोनों का एग्जैक्ट रिश्ता क्या है वो जान सके फिलहाल आपका शरीर और आपका मन ऐसा है जैसे कि एक राजा का महल और उस राजगद्दी पे कोई भी आके बैठता है कोई भी विचार कोई भी इमोशन कोई भी एक्शन आपको ये महसूस कराता है कि आप हैं आपको लगता भी नहीं होगा ना कि आप सिलेक्ट हैं अपने थॉट्स आपको ही नहीं पता चलता ना कि आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज़ को अपनी इज्जत और बेजती को अपनी मेमोरीज़ को अपने एक्शंस को अपने भविष्य को वो इसलिए क्योंकि आप इस सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच का डिफरेंस नहीं देख पा रहे हैं कैसे दिखता है ध्यान से एक और सूत्र है बड़ा सिंपल सूत्र है ये माइंड ये मॉडर्न सूत्र है एडवांस है ये माइंड दोनों चीजें हैं बंधन का कारण भी है और मुक्ति का जरिया भी है इसी माइंड के जरिए आप इस दुनिया में बंध सकते हैं और इसी माइंड के जरिए आप हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं यही माइंड ये यह ऐसे ही है जैसे आप इस हाथ से लिख भी सकते हैं और इस हाथ से नहीं भी लिख सकते हैं लिखाई छोड़ भी सकते हैं हमको लगता है कि हमारा माइंड केवल सोचने के लिए और महसूस करने के लिए और कुछ करते रहने के लिए बना है कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया हमने बिना कुछ किए रहने का आज ही हम लोग दोनों एडवांस में पढ़ रहे थे किस तरह से मेडिटेशन तब होता है जब आप अकेले रह पाते हैं और ये अकेला रहना भीड़ से अकेला रहना नहीं है ये और गहरा है और सच पूछिए तो जब भी आप इस तरह के कोई सवाल पूछते हैं कि मैं खुद को जानना चाहता हूँ आपके लिए थियोरटिकल क्वेश्चन है कि जेनुइन क्वेश्चन है क्योंकि हर एक क्वेश्चन अगर वो जेनुइन क्वेश्चन है तो आपको 24 घंटे चलेगा आप खुद को जानना चाहते हैं तो किस समय जानना चाहते हैं जब आराम से नाश्ता वाश्ता करके लेट करके अपने फोन को चला रहे हैं फिल्म देख रहे हैं तब या जिस समय आप एक्चुअली बहुत परेशान हैं तब क्योंकि वो समुंदर वो तूफान जो आपके मन में चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि आपने उसको अपना सेल्फ मान रखा है वो आपका सेल्फ है नहीं और जब तक आप उसको मानते रहेंगे तब तक यह दुनिया आपसे छूटेगी नहीं इस दुनिया से छूटने का भी जो विचार आपके मन में है वो भी डर से भरा हुआ है वो भी लालच और इच्छाओं से भरा हुआ है इसलिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस पहचानिए आपका सेल्फ क्या है और आपका नॉन सेल्फ क्या है आपका प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है अब तीसरी बात थोड़ी सी आपको नई बात लगेगी शायद हम लोग एक बहुत नई ह्यूमन स्पीसीज़ हैं इस ब्रह्मांड के एवोल्यूशन में जो करोड़ों अरबों सालों से चल रहा है साल भी कहना बहुत गलत होगा क्योंकि एक एक साल जो हमारे इंसानों के साल होते हैं इस ब्रह्मांड का तो वो भी बहुत एक क्षण के बराबर है तो हम ह्यूमन स्पीसीज़ जो इस शरीर को यूज़ कर रहे हैं ये मात्र एक लाख साल पहले आया है ये इंसान पहली बार बहुत सी चीज़ें डिस्कवर कर रहा है और ये डिस्कवरीज़ हमेशा खुशी वाली डिस्कवरीज़ नहीं होती जॉय वाली नहीं होती ये शॉकिंग होती हैं जैसे आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि कुछ सौ साल पहले तक इंसान ये माना करते थे कि हमारा ये प्लानट धरती इस पूरे ब्रह्मांड का सेंटर है केंद्र है और जैसे ही हमारे साइंटिस्ट्स ने डिस्कवरी की टेलीस्कोप्स की ये एक मजाक का पात्र हो गया कि हमारी धरती नहीं हमारा पूरा का पूरा सौर्यमंडल हमारा पूरा का पूरा गैलेक्सी मिल्की वे पंद्रह अरब अलग अलग यूनिवर्सेस के बीच में है तो अगर इसको आपको खोजना हो तो आपको मिलेगी नहीं कहीं ये इतनी छोटी है इस ब्रह्मांड में तो ये एक शॉकिंग डिस्कवरी थी जिसके लिए जिस इंसान ने इसको खोजा था उसको माफ नहीं किया गया उसके ऊपर हंसा गया ये तो फिजिकल डिस्कवरी है जब आप अपने बारे में डिस्कवरीज कर पाएंगे जैसे मैंने आपसे कहा अपने सेल्फ को नॉन सेल्फ से अलग कर पाएंगे तो आप हंसेंगे या शायद आप रोएंगे कि अब तक मैं अपने आप को क्या मानता रहा और मैं असल में क्या हूं कब और कैसे पॉसिबल हो पाएगा इसके लिए आपको अपने आप को इंटेलेक्चुअली एडवांस करना होगा अपने आप को साइंटिफिक एक्सपीरियंसेस देने होंगे और आपकी पूरी की पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन को और टेक्निकली एडवांस्ड होना होगा और ज़्यादा टेक्निकली प्रोग्रेस करना होगा और फाइनली अगर आप दुनिया के बारे में मत सोचें केवल अपने बारे में सोचें जो कि आपको सोचना चाहिए आपको बायोलॉजिकली होल बनना होगा शायद ये बात आपको अभी हजम ना हो और पसंद ना आए कि आपका ब्रेन अभी आधा भी डेवलप नहीं हुआ है इसलिए आप इस समय बैठ करके इस ब्रेन से चिंता कर रहे हैं एक तरफ अपनी बेटी की शादी की और दूसरी तरफ एग्जैक्टली इससे अनरिलेटेड सेल्फ को रियलाइज़ करने की और जैसे जैसे आप बायोलॉजिकली कंप्लीट होंगे वैसे वैसे आप अपने बारे में और इस ब्रह्मांड के बारे में नई नई शॉकिंग डिस्कवरीज़ करेंगे अब तो पता है क्या होगा ये भू भू और सुह जो आज बड़ा एल्यरिंग लगता है बड़ा आकर्षक लगता है छूट जाएगा आपसे ठीक वैसे जैसे एक बच्चे के बचपन के खिलौने छूट जाते हैं तो सबसे आसान तरीका क्या है खुद को जानने का 24 घंटे शुरू में आप 10-15, 20 मिनट आधे घंटे एक घंटे कर सकते हैं लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ आपकी लाइफ का 24 घंटे का प्रैक्टिस होना चाहिए कि मैं कौन हूं और कौन कौन सी चीज़ मैं नहीं हूँ मेरा ट्रू सेल्फ क्या है और किन किन चीज़ों को मैंने ज़बरदस्ती अपना सेल्फ मान रखा है इनके बीच का डिफरेंस जान लें और मुक्त हो जाए और जब तक हम इंसान अपने आप को बायोलॉजिकली होल नहीं कर पाते हैं तब तक हमको बहुत से ऐसे काम करने होंगे जिसको मैं कहता हूँ थ्रो अवे वर्क फालतू के काम जैसे आपको फाइनेंशियली फ्री होना होगा क्योंकि भूखे पेट ध्यान नहीं होता अगर घर में आपके बच्चे की फीस देनी है आपके घर का किराया देना है आपके कार की ई देनी है तो आप आध्यात्मिक जर्नी को मीट आउट नहीं कर सकते इसके पहले आपको बहुत से ऐसे डिसीजंस लेना सीखना होगा जो शायद आपकी फैमिली के लिए आपके बिजनेस के लिए और कोई नहीं लेगा आपको लेना पड़ेगा इसीलिए मैंने जनोंगा एडवांस के साथ साथ डब्ल्यू और मीडियम स्टार्ट किया है ताकि आप एक तरफ अपनी अंदर की जर्नी को स्टार्ट कर सकें और साथ ही साथ उन सारे रुकावटों को बाईपास कर सकें जो बाहर की कमजोरियों की वजह से आती है डब्ल्यू में आजकल हम लोग बहुत ही नई और बहुत ही पावरफुल सीरीज कवर कर रहे हैं कि, कि किसी फास्ट ग्रोइंग कंपनी को कैसे बनाया जाता है कैसे ग्रो किया जाता है तो मेरा आपसे इनविटेशन है रिक्वेस्ट है कि आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करना चाहते हैं अगर आप किसी डिसीजन को लेकर के जूझ रहे हैं तो बी डी एम ज्वाइन करिए और पर्सनली मेरे साथ कनेक्ट होइए ये, ये व्हाट्सएप का नंबर है इस पर आप मुझसे कनेक्ट करके इन कोर्सेज़ को कर सकते हैं थैंक यू जेनोविले बनाने में हमको आपकी मदद चाहिए हमारा ऐप है डीप स्पेस नॉलेज प्ले स्टोर पर है डाउनलोड कर लीजिए और देखिए कौन कौन से कोर्सेज़ आपको करने हैं